Hello everyone, our next topic is previous letters. प्रीवियस क्लास में हमने स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा था. स्पेस लैटिस मतलब एक 3D अरेंजमेंट. जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने एक 3D अरेंजमेंट की बात की थी जो स्पेस लैटिस था हमारा, और उसमें से जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन था जिसमें सेम सिमेट्री एलिमेंट आते थे जैसे ओवरऑल के होते हैं स्पेस लैटिस के, उसे हमने बोला था यूनिट सेल. कल जब मैंने स्मॉलेस्ट बनाया था तब मैंने जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ कहाँ रिप्रेजेंट किए थे, ओनली एट कॉर्नर्स. उस टाइम हम सिर्फ कॉर्नर की बात करते हैं कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के, ठीक है. बट जब किसी भी सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो ब्रेविस ने कहा इन 1848 कि जो पॉइंट्स हैं यानी पार्टिकल हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे नहीं, कॉर्नर के साथ साथ वो बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. मींस कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं, फेस के सेंटर पे भी हो सकते हैं, तीनों फेस के सेंटर मतलब सभी फेस के सेंटर पे हो सकते हैं, या फिर किसी दो फेस के सेंटर पे भी हो सकते हैं जिन्हें हम एंड सेंटर कहते हैं. इस तरह की अरेंजमेंट करके जो कल हमने पढ़े थे ना क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, उन सिस्टम में इन पॉइंट्स की अरेंजमेंट करके टोटल हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस ब्रेविस लेटर्स बनते हैं. टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटर्स, ठीक है. इसमें हम सिंपल बोलेंगे सिंपल जहां पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टर्म देंगे जो हम, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है. एक होगा फेस सेंटर्ड, ठीक है, और एक होगा हमारा एंड सेंटर्ड, ठीक है. तो हमारे पास यही आते हैं सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड. अब वन बाय वन देखते हैं होते क्या. सिंपल मतलब जहां पर पार्टिकल कहां प्रेजेंट होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपल, ठीक है. बॉडी सेंटर मींस जहां पर पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर में, हर बॉडी का जो सेंटर होता है वहां प्रेजेंट हुए तो बॉडी सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड मींस जहां पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस, ईच फेस यानी छह के छह जो हमारे फेस है उनके सेंटर पे भी प्रेजेंट हो. और एंड सेंटर का मतलब क्या होगा, जहां पर पार्टिकल हमारे कहां प्रेजेंट हो, किन्हीं दो एंड्स के सेंटर, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कहां पे होंगे, एंड पे, ठीक है. इनमें से जो फर्स्ट वन है यानी सिंपल वाला वो होता है हमारा प्रिमिटिव, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. जो रेस्ट है बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, ठीक है, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसे मैं ऐसे ही लिखी हूं अभी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है. इन्हें हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है. सिंपल वन इज प्रिमिटिव, अदर वन आर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्लियर. तो ये हो गया हमारे. तो अब हमें कहां रिप्रेजेंट करना है, कॉर्नर्स पे, बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे या एंड पे, ठीक है. अब कल हमने 7 टाइप ऑफ सिस्टम्स की बात की थी जिसमें हमारा फर्स्ट सिस्टम था क्यूबिक. अब हम इन 14 को ड्रॉ करेंगे जो 14 हमारे आए हैं, ठीक है. फर्स्ट ले लो क्यूबिक. कल जब हमने क्यूबिक की बात की थी तो क्यूबिक में हमने कहा था ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए बी सी इसमें क्या थे, बराबर थे हमारे, एंड अल्फा अल्फा बीटा और गामा वो भी हमारे क्या थे, 90 डिग्री, ठीक है. तो अब हम ड्रॉ करते हैं क्यूबिक को. क्यूबिक में याद रखने आपने कौन कौन से होंगे, सिंपल, फेस सेंटर्ड और साथ में आएगा हमारा बॉडी सेंटर्ड.
ठीक है, तीन आएंगे। अब इन्हें हम ड्रॉ करते हैं, क्यूब ड्रॉ कर लो तीन बार। मैंने तीन क्यूब ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला क्या बनाना है, सिंपल। सिंपल का मतलब सारे कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल है, कहीं और नहीं बल्कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, फेस सेंटर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कहोगे हर सेंटर के, फेस के सेंटर में, कॉर्नर एक। ठीक है, हर फेस, ऊपर वाला फेस लो उसका सेंटर, इधर वाला फेस इसका सेंटर, नीचे वाला फेस इसका सेंटर, इधर वाले फेस का सेंटर। अब देखो चार फेस तो हमने ड्रॉ कर लिए, एक होगा सामने वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस तो इसका सेंटर, ठीक है, एक पीछे वाला फेस भी है उसका सेंटर। ठीक है, छह फेसेस, हर फेस लगा लो क्योंकि 3D अरेंजमेंट है हमारे पास, 2D तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों यहां पर आ गए। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे रिप्रेजेंट करो पहले तो, हर किसी में कॉर्नर पे तो होने ही होने, उसके साथ साथ कहां होंगे वो उसका नाम हो जाएगा। हर बॉडी का जो सेंटर है, इस बॉडी का सेंटर कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। तो ये मैंने बन गए बॉडी सेंटर, ठीक है। तो तीन आ गए, सिंपल, फेस एंड क्यूबिक। तो इसमें कितनी अरेंजमेंट्स आई हमारे पास, तीन, ठीक है। तब बाद में हमें टोटल भी करने हैं, तो यहीं से याद रखेंगे, तो सिंपल, फेस एंड बॉडी सेंटर। चले आगे, नेक्स्ट इज टेट्रागोनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, दूसरे वाला था जो हमारा, इस केस में हमारे पास था ए और बी तो इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर नहीं है वो, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, बट ए क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं, एक को बड़ा ले लो, ए बी सी में से एक की लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की इसमें दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक तो होगा सिंपल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा बॉडी सेंटर्ड। तो एक आ गया मेरे पास सिंपल और दूसरा आ गया बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। सिंपल में ड्रॉ कर दो, सिंपल सारे कॉर्नर्स में, बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में कहां पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, मैंने कॉर्नर सिंपल और बॉडी सेंटर बना दिया। तो ये था मेरा टेट्रागोनल जिसके अंदर कितने थे, दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास क्या था, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही बराबर नहीं थे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, एंगल्स हमारे क्या है बराबर है, बट जो हमारे ए बी सी है वो बराबर नहीं है। इस केस में हमारे चार पॉसिबल है, चार पॉसिबिलिटी है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एड सेंटर्ड, जितने होते हैं वो सारे इस केस में क्या है पॉसिबल है। अब इसे ड्रॉ करो, ठीक है, मैंने चार फिगर ड्रॉ कर ली, फॉर सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, सिंपल में ड्रॉ कर दो सारे कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो सिंपल मैंने ड्रॉ कर दिए कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर आ जाओ कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे, कॉर्नर्स पे तो आ गया, एक बॉडी के सेंटर में बना दो। ठीक है, फेस सेंटर लो, कॉर्नर्स पे तो आएगा ही आएगा, हर फेस के सेंटर पे कॉर्नर्स आ गए। ठीक है, हर फेस का सेंटर ले लो। ठीक है, ये वाला फेस का सेंटर ये रहा, इस वाले का सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, अब जो सामने वाला है उसका एक सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो पीछे वाला है उसका एक सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरा आ गया फेस सेंटर। अब आते हैं एंड सेंटर पे, कॉर्नर्स पे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, एंड ले लो कोई भी दो फेस। ठीक है, अपोजिट फेसेस, चाहे तो ये दो, चाहे ये दो, चाहे ये पीछे आगे वाले, तो ये आगे मेरा एंड सेंटर। ठीक है, तो ये था मेरा ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें कितनी थी, चार पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मोनोक्लिनिक पे, नेक्स्ट फोर्थ इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमारे पास क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों ही बराबर नहीं होते मोनोक्लिनिक में। ठीक है, और अल्फा और गामा तो 90 है, बीटा 90 नहीं है। ठीक है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, अल्फा बीटा किसके बराबर है, 90 के बराबर है। इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक होगा सिंपल वाला और एक होगी हमारी बॉडी सेंटर। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बेबीज इसे ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या है हमारे पास, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। जो एक है वो तो सिंपल होगा, जो दो है वो सिंपल बॉडी होंगे, जो तीन है उनमें सिंपल बॉडी एंड फेस होगा, और जो चार है उसमें एंड कंसीडर हो जाएगा। ये सिंपल है, अब बॉडी सेंटर करो,
कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एक बॉडी के सेंटर में आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा मोनोक्लिनिक। क्लियर, ये तो हो गए मेरे चार। नेक्स्ट इज ट्राई क्लिनिक। अब आते हैं ट्राई क्लिनिक पे। ट्राई क्लिनिक के केस में क्या होता है, हमारे पास अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, तीनों ही 90 नहीं होते। और इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना, ए बी सी बराबर है ट्राई क्लिनिक में, ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर। अभी से ड्रॉ करते हैं। इस केस में सिर्फ वन पॉसिबिलिटी है, दैट इज सिंपल। सिंपल मतलब कहां पे, कॉर्नर्स में। नेक्स्ट तीनों में ही सिंपल ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसमें कहां आ गए, कॉर्नर्स पे आ गए। ये मेरा कौन सा है, ट्राई क्लिनिक। नेक्स्ट सिक्स इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के केस में क्या था, ए बी सी क्या थे, बराबर थे, बट अल्फा बीटा गामा बराबर थे, 90 के बराबर नहीं थे। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करते हैं। हम ठीक है, इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज सिंपल। ठीक है, इसमें और क्यूब में क्या फर्क बनाओगे, क्यूब में सब कुछ बराबर है, 90 है, वो सिंपल सीधी लाइंस होंगी, ये थोड़ी टिल्टेड लाइंस है, जैसे टेढ़ी सी आ रही है, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी लाइन। उस वाले के केस में जैसे हमने यहां बनाया था, तो आप यहां सीधी सीधी लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये फर्क है। ये मेरा रोम्बोहेड्रल जिसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट लास्ट इज हेक्सागोनल। ठीक है, अब हेक्सागोनल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले मैंने इतना ड्रॉ कर लिया हेक्सागन के लिए। अब देखो हेक्सागन मतलब 6, 1, 2, 3 ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब इधर की साइड लो 4, 5, 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जैसे बेंजीन होती है उस टाइप से आप इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे 1, 2, 3, 4 ये सी लाइन के पीछे वाली लाइन जो आ रही है ना उसके ऊपर है। ठीक है, डन। ऐसे ये वाली लाइन जो पीछे से आ रही है ना उसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल नीचे वाले में। इसे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नीचे
जैसे ऊपर रिंग बन रही है वैसे ये जो पॉइंट्स आएंगे जो पीछे डॉटेड लाइन आई है उसमें आए, ठीक है, ऐसे पीछे वाली में। इस केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा कितना होता है इसमें 120 डिग्री। इस केस में भी वन ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, दैट इज सिंपल, क्लियर। तो ये मेरे 7 क्रिस्टल सिस्टम थे और उनमें जो आगे हमारे प्रीवियस क्रैकर्स, ठीक है। तो हमारे जैसे सिस्टम था क्यूबिक, क्यूबिक में हमारे कितने आए लैटिस 3, कौन कौन से, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में कितने आए हमारे पास 2, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट आया हमारे पास रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक, उसमें आया हमारे पास 4, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, उसमें कितने आए 2, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। लास्ट के 3 ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, इनमें आए 1, 1, 1, सिंपल सिंपल सिंपल, सिंपल तो होगा ही हर किसी में। तो ये हमारे पास हुए टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लेटर्स, ठीक है। टोटल 14 आ गए हमारे पास ब्रेवियस लेटर्स और 7 हमारे सिस्टम्स आ गए, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम, क्लियर। तो ये आ गया हमारा टॉपिक ब्रेवियस लेटर्स का। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की। अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं पर यूनिट सेल, एन इज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, मुझे इसे निकालना है, उस केस में एन क्या हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो, सी विल रिप्रेजेंट कॉर्नर, एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे फेस और आई से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीरियर, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के 8, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 8, जितने वर्टिकल है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। फेस 2 फेस का आ जाएगा 2, ठीक है, और इंटीरियर 1 mm, क्लियर। तो हम इस तरह से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ सिंपल के लिए निकालो सिंपल लैटिस, सिंपल का मतलब सारे कहां प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे, ओनली एट कॉर्नर, तो एन किसके बराबर आ गया, कॉर्नर कितने हैं 8/8, बाकी सारे के हैं 0, 0, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1, ठीक है। मैं कहती हूं फेस सेंटर्ड निकालो क्यूबिक सिस्टम, कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे प्लस फेस में भी प्रेजेंट होंगे एंड ऑफ फेस, दो दो फेस का, तो एन क्या हो गया कॉर्नर पे तो है ही 8 कॉन्ट्रीब्यूशन तो रहेगा ही, फेसिस पे भी प्रेजेंट है, फेस कितने हैं टोटल 6, ठीक है, नंबर ऑफ फेस 6 है, 2 हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2, इंटीरियर में नहीं है 0, तो टोटल आ गया 1 और 3, 4। अब मैं कहती हूँ बॉडी के सेंटर में है, तो कॉर्नर पे तो है, साथ में कहाँ प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, करो कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फेस में कोई नहीं है 0, तो बॉडी के सेंटर यानी इंटीरियर में 1 है तो +1, बॉडी सेंटर 1 ही होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूरा होगा, फिर कितने आ गए 2। एंड वाला ले लो, एंड वाला कहां पे होगा कॉर्नर पे तो होगा ही होगा 2 एंड फेसेस पे, कोई भी 2 फेसेस पे, ठीक है। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहा, ठीक है। फेसेस किन्नी 2 का लिया है हमने तो 2/2, इंटीरियर पे 0, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं हमें कहां पे प्रेजेंट दिए हुए हैं, कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है, इंटीरियर पे है, हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करो और उसे इसमें पुट करके अपने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालो, ठीक है, क्लियर।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्पेस ग्रुप्स। ठीक है, अभी तक हमने इसमें सॉलिड में सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जब हमने कल सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में कहा था तो हमने कहा था 32 इस तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, डिफरेंट प्लेन एक्सिस को पास करके हम 32 अरेंजमेंट बना सकते हैं। और टोटल हमारे पास कितने थे, 7 वो पॉसिबल थे क्रिस्टल ग्रुप्स। ठीक है, जिसे हम क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स कहते हैं। 14 हमारे पास क्या आ गए, ब्रेवियस लैटिस आ गए। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप्स। अब बात करें हम 3D की, तो 3D में जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कुछ ग्लाइड प्लेन्स या स्क्रू एक्सिस भी क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। जब हम 2D की बात करते हैं तो प्लेन एक्सिस आते हैं, जब 3D की बात करते हैं तो उसमें कुछ ग्लाइड प्लेन्स या स्क्रू एक्सिस भी क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जब ओवरऑल सारी अरेंजमेंट को देखा जाता है तो टोटल 230 अरेंजमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, 230 अरेंजमेंट्स क्या होती है, पॉसिबल। अगर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को मिला लिया जाए तो टोटल 230 पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेस ग्रुप्स। तो हमारे पास 230 स्पेस ग्रुप्स क्या है, पॉसिबल। क्लियर, तो अब तक जितना पार्ट हमने करा, अब उसमें देखते हैं स्पेस ग्रुप बनते कैसे हैं। 7 सिस्टम ले लो अपना, क्यूबिक सिस्टम है हमारा, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कह लो या रोम्बोहेड्रल कह लो, एक ही बात है। और लास्ट इज हेक्सागोनल। ठीक है, तो टोटल अगर स्पेस ग्रुप देखा जाए इसमें 36 स्पेस ग्रुप पॉसिबल है, इसमें 68, ये आपको एसएच लर्न करना है, 59, 13, ट्राइक्लिनिक में 2, इसमें 30 और इसमें 22। ठीक है, आप सम अप देख लो, टोटल हमारे पास हो गया 230। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 230 स्पेस ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, इन्हें आपको ऐसे याद रखना है जो हमारे सारण सिस्टम है उनमें कितने कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कितने बने हमारे पास, 7, कितनी बार पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, पॉइंट ग्रुप कितने आए थे पीछे पढ़ा था कल, 32, जब प्लेन और एक्सिस चेक किए थे हमने। ठीक है, आज हमने पढ़े ब्रेवियस लैटिस, वो कितने आए हमारे पास, 14। अभी हमने किया स्पेस ग्रुप्स, वो हमारे कितने आए, 230। ठीक है, तो अब तक हम इतना बढ़ चुके हैं कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, 32 पॉइंट ग्रुप बनते हैं जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स को देखते हैं, 14 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं, और जब 3D अरेंजमेंट की बात करते हैं जिसमें ग्लाइड प्लेन और स्क्रू एक्सिस भी आते हैं तब हमारे पास 230 स्पेस ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर, ये सारा हमारा क्रिस्टल सिस्टम था। ओके, थैंक यू।